मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स के अंदर मटेरियल कैसे देते हैं, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेज़र कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग में अगर मुझे उसका वेट और मटेरियल लेके जाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम जो हमारे को देना है, करना है, वो है इसका वेट। यहाँ पर मटीरियल है तो पहले वेट के लिए हमारे को डेंसिटी चाहिए और मटेरियल चाहिए। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ब्रास कर देता हूँ तो ये इसको ब्रास का मटेरियल असाइन होगा। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रबड़ कर देता हूँ तो ये रबड़ का मटेरियल असाइन होगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो कर दिया ब्रास और फिर मैंने इवेल्यूएट के अंदर जाके इसकी मास प्रॉपर्टी देखी तो ये मास प्रॉपर्टी उसके हिसाब से आ रही है। ठीक है, अगर ये ग्राम्स की जगह हमारे को किलोग्राम में देखना है तो ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ग्राम की जगह किलोग्राम कर देंगे। अगर पाउंड में देखना है तो पाउंड में भी देख सकते हैं। तो ये 35 किलो 96 ग्राम का होगा और ये जो कंपोनेंट है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम हमारे को नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एडिट मटीरियल में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मटीरियल, ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम बहुत सारे तरीके का है, 106 ये अलॉय कर लेते हैं और फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका मास प्रॉपर्टी में जाके वेट देखूँगा तो ये 11 किलोग्राम का है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे को इसकी डेंसिटी पता होती है किसी कंपोनेंट को, तो हमारे को मास मटीरियल नहीं पता बट मुझे उसकी डेंसिटी पता है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव मटेरियल कर दूंगा तो ये ब्लैंक हो गया। अब मुझे इसका जब मास मैंने कैलकुलेट किया तो ये 4.23 के आ रहा। क्यों हो गया ये ऐसा, क्योंकि इसको डेंसिटी नहीं पता, अभी हमने कोई मटेरियल असाइन नहीं किया तो उसने अपना डिफॉल्ट कुछ भी दे दी वैल्यू। हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे डेंसिटी भरेंगे 0.07। ठीक है, तो ये अब 0.078 की डेंसिटी होती है, ठीक है, SS की, तो ये उसके हिसाब से इसका वेट आ गया। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप यहाँ पे जाके डेंसिटी भर दो, डेंसिटी आ जाएगी और इस डेंसिटी के हिसाब से आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मिलीमीटर में देखना है डायमेंशन या इंचज में देखना है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंचज़ कर देता हूँ, ठीक है, ओके, तो ये जो डायमेंशन है इसकी अगर हम कुछ भी मापेंगे तो ये इंचेस में होने लगता है, सेंटर ऑफ मास इंचेस में आने लगता है। तो हम इसको इंचेस की जगह मिलीमीटर ही दोबारा कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे को वेट तो पता लग गया बट ये हम इसको सेव नहीं कर सकते, है ना, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को इसकी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताएंगे मटेरियल की, इसको मटेरियल ही असाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे हम वेट और यहाँ पे मास असाइन कर देंगे। ठीक है, ओके किया। अब मैं इसको जो भी मटेरियल दे दूँ, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी चेक करूँगा जाके, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग नाप चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को उठा के ले जाएंगे, पहले इसको मॉडल को कर लो सेव। ठीक है, नाम सेव करके इसको ड्राइंग में ले जाना है, मेक ड्राइंग। तो क्योंकि हमने मटेरियल असाइन किया हुआ है तो यहाँ पे देखो अभी वेट का भी कॉलम है और मटेरियल का भी कॉलम है और यहाँ पे खाली है, तो जैसे ही मैं इस पार्ट को उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा तो वैसे ही यहाँ पे इसका मटेरियल भी आ जाएगा और वेट भी। ठीक है, तो अगर मैं कभी भी जाके मॉडल के अंदर इसका मटेरियल कर देता हूँ चेंज,
वापस जब मैं अपनी ड्राइंग में आऊँगा तो ये मटेरियल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और उसका वेट भी ऑटोमेटिकली, मतलब बार बार मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी देखो डेंसिटी आ नहीं कहीं पर लिखी हुई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वापस मॉडल में जाऊँगा और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाऊँगा। प्रॉपर्टी बताएंगे हम मटेरियल, मटेरियल ऑलरेडी है वो कहता है, तो हम यहाँ पे डेंसिटी चाहिए हमारे को, हम कोई भी अपना नाम भी दे सकते हैं, मैं इसको नाम ही डेंसिटी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डेंसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, या हमारा जो मटेरियल है उसके हिसाब से डेंसिटी आ जाएगी। अब कल को मैं इसको चेंज करूँगा ब्रास और प्रॉपर्टी में जाके देखूँगा, ये डेंसिटी अभी आ नहीं रही। अच्छा, डेंसिटी तब आएगी जब हम मास प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे डेंसिटी असाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मटेरियल को हटाना पड़ेगा मेरे को, रिमूव मटेरियल, और मैं जाऊंगा मास प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ से 0.07। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूँ तो यहाँ पे उसके हिसाब से डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए ड्राफ्टिंग में वही वाली चीज़ शीट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो मुझे डेंसिटी दिखानी है, कहीं पे भी दिखा सकते हैं, तो मैंने कहा एडिट शीट फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसिटी जो लिख दिया मैंने, यहाँ पे मुझे वो वाली वैल्यू चाहिए अपने आप चेंज हो, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास लिंक प्रॉपर्टी, लिंक टू प्रॉपर्टी। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, तो यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट की जगह हम कर देंगे मॉडल फाउंड हेयर, तो जो मॉडल मेरा है उसमें से मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ओके कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब फायदा क्या होगा इस चीज का, कि कल को मैं अगर जाके इसके मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी में डेंसिटी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो जब मैं अपनी ड्राइंग में वापस आऊँगा तो इसको रीबिल्ड करेंगे, चेंज होनी चाहिए। हम जाएंगे यहाँ पे, मटेरियल हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो फाइल की प्रॉपर्टी में जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7.8 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मास प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे 7.8 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 8.8 कर देता हूँ तो यहाँ पे 8.8 हो गया, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखूँ तो यहाँ पे भी 8.8 हो गया, और अगर मैं अब इसकी ड्राइंग में जाके देखूँ, इसको रीबिल्ड करना है, तो ये 8.8 हो गया। ठीक है, तो पहले हमने रीबिल्ड नहीं किया था, इस वजह से चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ड्राइंग नंबर जो मर्जी हम डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, कि कल को वहाँ पे चेंज हो, अब देखो मटेरियल हमने हटाया दिया तो मटेरियल असाइन ख़त्म हो गया, डेंसिटी चेंज कर दी तो वेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो यही सीखना चाह रहे थे हम।
प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, कोई मटेरियल कैसे असाइन करना है, ठीक है, और उसका वेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो बड़े काम की चीज़ है, अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में।